आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। दस्तक देने वाला है साल का पहला चक्रवात, मूसलाधार बारिश का अलर्ट, अरब सागर में लू चलने की भी संभावना। देश में पिछले 24 घंटे में 2075 लोगों को हुआ कोरोना, 71 संक्रमित मरीजों ने गंवाई जान। दी कश्मीर फाइल्स को लेकर बीजेपी का उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला, बोला उनके पिता ने कायरों की तरह हिंदुओं को छोड़ दिया था। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को जताया आभार, कहा यूक्रेन में फंसे हमारे नागरिकों की मदद के लिए आपका धन्यवाद। दलाई लामा 2 साल बाद पहली बार धर्मशाला में सार्वजनिक रूप से आए सामने। उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 25 मार्च को, कैबिनेट में महिलाओं और युवाओं की होगी अहम भागीदारी। उत्तर प्रदेश में धूमधाम से मनाई गई होली, चारों दिशाओं में रंग गुलाल की बौछार। सैफई के मंच पर होली के रंग में दिखे मुलायम, बोले सपा युवाओं की पार्टी अब लक्ष्य 2024। बीएसपी चीफ मायावती के दावे को चुनौती दे रहे यूपी चुनाव के परिणाम 2024 के लिए फिर खतरे की घंटी। उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीद, एमएसपी के आधार पर किसानों के खाते में सीधा भुगतान। यूक्रेन के राष्ट्रपति का दावा, मारियोपोल थिएटर के मलबे से निकालेगा 130 लोग। तीन रूसी अंतरिक्ष यात्रियों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए भरी उड़ान। क्रीमिया पर कब्जे की 8वीं वर्षगांठ पर पुतिन ने की विशाल रैली, यूक्रेन में रूसी सेना के रुख की बताई हीरोइक मिशन। इमरान समर्थकों ने बोला सिंध हाउस पर धावा, विपक्ष भी लामबंद, अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। किसी भी देश की सैटेलाइट को नष्ट कर सकता है चीन, बनाया नया हथियार जिसे कहते हैं डायरेक्ट एनर्जी वेपन। मिताली और हरमनप्रीत की धमाकेदार पारी, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दिया 278 रन का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मिताली राज की दमदार पारी, वर्ल्ड रिकॉर्ड किया आपने नाम। इंग्लैंड के विस्फोटक ऑलराउंडर बने स्टोक्स का नया कमाल, बनाई कपिल देव और सोबर्स के क्लब में जगह। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले भारतीय महिला टीम ने खेली होली। बांग्लादेश ने रचा इतिहास, साउथ अफ्रीका में जीता पहला वनडे, शाकिब अल हसन ने गाड़े जीत के झंडे। बच्चन पांडे के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर उठी बायकॉट की मांग। होली पर पति निक संग रोमांटिक हुई प्रियंका चोपड़ा, रंगों से सराबोर हुआ पूरा जोनस परिवार। बैटमैन ने दुनिया भर में बॉक्स ऑफिस पर $500 मिलियन का आंकड़ा किया पार, जोकर के बाद वॉर्नर ब्रदर्स की ये सबसे सफल फिल्म।
भारतीय कश्मीर फाइल्स को पंजाब और दिल्ली में टैक्स फ्री करने की मांग, मनोज तिवारी ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को किया ट्वीट। फिल्ममेकर श्याम बेनेगल ने शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक के पोस्टर को किया रिवील। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।